अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न फेकू से उम्मीदें है, न बेचू से उम्मीदें है, शहीदों और किसानों के बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। आज हम उन किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि हृदय से अर्पित करते हैं जो ठंडी गर्मी बरसात को झेलते हुए एक साल पूरा कर लिए। इस आंदोलन में अब तक जो 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं, उनको हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कहना चाहता हूं, हर मौसम में वो डटे रहे, हर मौसम में वो डटे रहे, साहस के पौबारे थे। दुश्मन से हम जीत गए, पर मोदी सरकार से हारे थे। जब तक संसद में वापस नहीं होगा, तब तक हमारे किसान जो है वापस नहीं लौटे हैं। हम पुरानी पौराणिक बातों को इतिहास के से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका समर्थन मिलेगा, लोग सब प्यार करेंगे। मैडम जी, ऐसा है कि जो किसान धरने पर आज बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो उनके साथ बिल वापस लेने का उचित फैसला लिया है, ठीक किया है, लेकिन जो किसान इस समय अड़ा है वो अपनी मांगे सही पर अड़ा है। उनको ये चाहिए कि मैं अपनी मांगे जो है लिखित और संसद भवन से पास होकर के उनके हाथ चला जाए, वो खुद चले जाएंगे। उनकी मांगे उचित है, चाहिए भी ऐसा। उनके झूठ से, मोदी जी के झूठ से किसानों को बहुत वो पहुंची है, बहुत ठेस पहुंची है। वो सोच रहे हैं कि फिर ये इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा न करें कि कुछ न करें, इसलिए वो लिखित मांग रहे हैं और सारी उनकी मांगे उचित है और चाहिए भी उनको देना। लेकिन हम कहते हैं जिंदाबाद। जो थूक करके चाट लिया वो कितना बढ़िया सरकार। किसान नहीं, ये व्यवसाय से, व्यापार से जुड़ा हुआ किसान है। ये मोटे किसान वो नहीं होता है जो सड़क पर बैठता है, किसान वो होता है जो अपने खेतों में जाता है। ये किसान नहीं थे,